नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल यूजर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीजो अपने एक और न्यू लेटेस्ट और पॉकेट रेंज सेगमेंट के TWS ईयरबड्स को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है और इनका नाम कंपनी ने डीजो बड्स जिट रखा है। सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए हैं, देखने में काफी अच्छे, काफी अट्रैक्टिव है। प्रीमियम लुक डिजाइन के साथ कंपनी इनको लॉन्च करने वाली। इसके अलावा कंपनी इनको भारतीय मार्केट में ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ उपलब्ध करवाने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन्हीं के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन डीजो बड्स जेड के सबसे पहले कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 उपलब्ध करवाने वाली है, जो आपके एंड्रॉइड और iOS स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा ये विंडो गैजेट्स के साथ भी कनेक्ट होने वाले हैं और इनकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो 10 मीटर के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को ऑटो पेयरिंग, क्विक पेयरिंग और मोनोपोड जैसे फीचर कंपनी देने वाली है। सब कुछ मिलाकर इनके अंदर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को 10 mm का डायनेमिक डर उपलब्ध करवा रही है, जिसके साथ डीप बेस का फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा EQ टेक्नोलॉजी भी कंपनी इनके अंदर उपलब्ध करवा रही है, मतलब बेस को आप लोग ऑन ऑफ कर पाएंगे, नॉर्मल मोड पर भी म्यूजिक आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर ENC नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल रहा है कॉलिंग के लिए और PNC नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल रहा है म्यूजिक के लिए। तो सबको मिलाकर इनके अंदर से आप लोगों को एक क्लियर, बैलेंस्ड, रियल टाइम और बेसफुल साउंड क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है, जो स्टीरियो साउंड क्वालिटी रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, गेमिंग यूजर्स के लिए भी इनके अंदर सुपर लो लेटेंसी का फीचर कंपनी दे रही है, जिसके साथ गेमिंग मोड का फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिससे गेमिंग यूजर्स को गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस इनके अंदर से मिल जाएगा। तो सबको मिलाकर ये गेमिंग यूजर्स और म्यूजिक लवर दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए काफी बेहतरीन साउंड उपलब्ध करवाने वाले हैं। अगर बात करें इनके और फीचर्स के बारे में, तो इनके बैक साइड पर कंपनी आप लोगों को एक टच कंट्रोल पैनल उपलब्ध करवा रही है, जिससे आप लोग कॉल को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, इसके अलावा इसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर कंपनी आप लोगों को वन क्लिक में गूगल और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को सीधा कमांड देने का सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इनके अंदर कॉलिंग के लिए कंपनी आप लोगों को मल्टीपल माइक्रोफोन उपलब्ध करवा रही है, जो हाई सेंसिटिव फीचर्स से लेस है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए इनके अंदर ENC नॉइस कैंसिलेशन का फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो सबको मिलाकर इनके अंदर से आप लोगों को HD कॉलिंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप लोग इनको उपयोग बड़ी आसानी से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये IPX4 वाटर रेजिस्टेंट फीचर से लेस है, जो इनको धूल मिट्टी और आपके पसीने से होने वाले नुकसान से काफी हद तक सुरक्षित रखने वाले हैं। अगर बात करें इनके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इन ईयरबड्स के अंदर कंपनी आप लोगों को 43 mAh बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो एक बार चार्ज करने के बाद नॉर्मल मोड पर आप लोगों को 4.5 hours का बैटरी बैकअप उपलब्ध करवाने वाली है। और अगर आप लोग ENC, PNC या लो लेटेंसी गेमिंग मोड जैसे फीचर को उपयोग करेंगे, तो और कम बैटरी बैकअप इनके अंदर देखने को मिलने वाला है, लगभग 3 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके चार्जिंग केस पर कंपनी आप लोगों को 380 mAh का बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो टोटल आप लोगों को 16 hours का बैटरी बैकअप देने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों, एक पॉकेट रेंज सेगमेंट के TWS ईयरबड्स के तौर पर इनके अंदर जो बैटरी बैकअप मिल रही है, वो थोड़ा कमजोर रहने वाली है, लेकिन इनके अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है और चार्जिंग के लिए माइक्रो एसबी टाइप सी कंपनी देने वाली है। फाइनली दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन डीजो बड्स जेट के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 23 सितंबर से ये भारतीय मार्केट में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट के जरिए परचेस करने के लिए उपलब्ध रहने वाले, जहां से आप लोग इनको परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी कीमत के बारे में, तो अभी कंपनी ने इनकी ओरिजिनल कीमत शो नहीं की है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इनकी भारतीय मार्केट में कीमत 2000 रुपए के आसपास रहने वाली है। आप लोगों के दिल में क्या है विचार, इनकी क्या कीमत होनी चाहिए भारतीय मार्केट में? मेरे हिसाब से दोस्तों, यह एक ब्रांडेड TWS ईयरबड्स के तौर पर गेमिंग यूजर्स और म्यूजिक लवर्स दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए वाकई में काफी बेहतरीन TWS ईयरबड्स रहने वाले हैं, और ये देखने में भी काफी प्रीमियम लुक डिजाइन के साथ आ रहे हैं। तो आप लोगों के मन में फिर भी कुछ विचार हो इनके, खासकर कीमत को लेकर, क्या कीमत इनकी भारतीय मार्केट में होनी चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।